भगत सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर गुरुवार को पूर्वांचल कला सम्मेलन समारोह पंत पार्क के मुख्य द्वार पर शुरू हुआ। कला सम्मेलन समारोह में पिछले वर्ष पूर्वांचल कला सम्मान समारोह में विजयी पूर्वांचल के छात्र छात्राओं के द्वारा बनाए गए कलाकृतियों की प्रदर्शनी इस वर्ष में पूर्वांचल कला सम्मान समारोह के पूर्व किया गया। सम्मेलन में कला के माध्यम से कलाकारों ने समाज को संदेश देने का सार्थक प्रयास किया है। कला प्रदर्शनी में जो कलाकृतियां थीं उनके विषय डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान ऐसे अनेक समस्याओं तथा भारत सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर कलाकृतियों पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस अवसर पर आयोजक विक्रमादित्य सिंह नारायण, संयोजक पूजा वर्मा, अमित चौधरी, दलवीर सिंह के द्वारा किया गया ज्ञात इसके साथ अंकिता, आराधना, प्रियंका, संदीप कुमार, रिया यादव, अभिशांत सिंह मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आयोजक विक्रमादित्य सिंह नारायण और संयोजक पूजा वर्मा ने कहा, बच्ची का चित्र यहाँ पे बनाया गया है और उसके पीछे खिलौना चार्ट बनाया गया है। बच्ची को इंटरव्यू पुलिस जेल में और चार्ट लेबर को खतरा ने पेंटिंग बनाई है और उसने इस साथ अपना विचार भी लिखा है, बेटी है हमारा धन क्यों ना क्या है। ये छात्रा पीछे बैग टांगी हुई है, सीढ़ी पे चल रही है और आंख बना हुआ पीछे, मतलब कि सपना देख रही है कि पढ़ लिख के सीढ़ी टूटा हुआ है, बर्तन वगैरह बिखरे हुए हैं, मतलब कि परिवार वाले इसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं घर के। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और होती है हर धर्म के कूटनीति भावनाएं पैदा होती हैं और इस चीज़ को रोकने के लिए विक्रमादित्य नारायण सिंह। ये पूर्वांचल कला सम्मान समारोह एक कम्पटिशन होता है जो पूरे पूर्वांचल में होता है, एक इलाहाबाद से लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय तक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से लेकर BHU तक के सभी डिग्री कॉलेज, सभी स्कूल, सभी कोचिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ड्राइंग का होता है, सिंगिंग, डांसिंग, रीजनिंग, हर एक कम्पटिशन होता है और पिछले साल के जो विजेता थे पूरे पूर्वांचल के अंडर 100 में उनके कलाकृतियों का प्रदर्शनी यहाँ पर लगा हुआ है। और जो इस बार जो अपने गोरखपुर के जो कलाकार हैं, जो युवा कलाकार हैं, आप देख सकते हैं उनके पेंटिंग्स का प्रदर्शनी लगा हुआ है। कई टॉपिक्स जैसे जो करंट टॉपिक्स हैं, जैसे बेटी बचा बेटी पढ़ा, आप वहाँ देख सकते हैं, और चाइल्ड लेबर है, और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे डिजिटल इंडिया कल्चर है और चाइल्ड लेबर के साथ एक जैसे बेटियों को पढ़ाने के लिए और रिलीजियस वार, अन्य कई टॉपिक्स पे यहाँ पे एग्जीबिशन रखा गया है। जैसे कि राहगीर जो जाते हैं, एक ओपन एग्जीबिशन इसलिए रखा गया कि राहगीर जो जाते हैं उनका ध्यान पड़े और कुछ अपने माइंड में एक बात करें। जहाँ पे चाइल्ड लेबर लिखा है और एक छोटा बच्चा कुदार से मट्टी खनना है, उसका पेंटिंग में रखा गया वहाँ पे, इसलिए उसको स्टाफ चाइल्ड लेबर रखा गया है, इसलिए क्योंकि ये जो छोटे हैं, आप एक छोटू पाए होंगे, हर दुकानों में पाए होंगे, हर घरों में बर्तन मांजते हुए, हर दुकानों पर बर्तन धोते हुए, कप प्लेट एक दूसरे को पहुंचाते हुए वो छोटू पाए होंगे। असलियत में जो छोटू होते हैं अपने घर के सीनियर होते हैं और वही जो युवा पीढ़ी है, वही अगर युवा पीढ़ी अपने भारत में दुकानों पे बर्तन धोते हुए पाएगी तो भारत का भविष्य कैसा होगा, ये कितने अंधकार में होगा, हम सभी युवा इस बात का आकलन कर सकते हैं। उस चीज़ को सुधारने के लिए, ये माइंड मेकअप करने के लिए, हर युवाओं का, हर अभिभावकों का माइंड मेकअप करने के लिए ये प्रदर्शनी रखा गया है ताकि लोग देखें और अपने विचार में बदलाव लाएं। मेरा नाम पूजा वर्मा है और इस प्रदर्शनी का लगाने का, पूर्वांचल कला प्रदर्शनी का लगाने का मेन मोटो ये है कि जो भी हमारे जो युवा पीढ़ी आ रही है उनके कलाओं को प्रदर्शित करना, वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं, इसके थ्रू वो आगे आ सकते हैं, एक से एक कलाकार निकलते हैं, जैसे हुआ डांसर हुआ, सिंगर हुआ,
और भी लोग हैं पढ़ने में भी जो अच्छे हैं, तो अपने कला का प्रदर्शन नहीं अच्छे से कर पाते हैं उनसे, लेकिन ये ऐसा मंच है जहाँ पे हर एक बच्चों को आगे लेकर आया जाता है। और ये गर्व की बात है कि हमारे गोरखपुर में हो रहा है और इसमें हर एक जगह से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इलाहाबाद से हुआ, बनारस से हुआ, फैजाबाद से, हर जगह के बच्चे यहाँ पे आके पार्टिसिपेट है। और बहुत गर्व की बात, अच्छी लग रही है, यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्से भी लिए हैं, इतने सारे प्रदर्शनी लगाए गए हुए हैं हमारे पे। टोटल यहाँ पे 90 का लगा हुआ है।